केरल में सोमवार को कोविड 19 के 6849 नए मामले आए और 388 मरीजों की मौत हो गई, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 50,77,984 हो गए और मृतकों की संख्या 36,475 पर पहुंच गई है। जिन 388 मरीजों की मौत हुई है उनमें से 61 की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई और 41 मौतों को केंद्र तथा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर अपील मिलने के बाद कोविड 19 से हुई मौत के मामलों में जोड़ा गया है। रविवार के बाद से 6,046 और लोग इस महामारी से उबर चुके हैं और इसके साथ ही संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 39,77,126 हो गई है तथा उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20,180 है। पिछले 24 घंटे में 69,334 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में 14 जिलों में से तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक 599 नए मामले आए, इसके बाद एर्नाकुलम में 641 और कोझिकोड में 403 मामले आए। नए मरीजों में से 52 स्वास्थ्य कर्मी हैं, 48 राज्य के बाहर से आए और 3,333 मरीज संक्रमितों के संपर्क में आने से महामारी की चपेट में आए और 222 मरीजों में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चला है। केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 29 और नए मामले की पुष्टि हुई, इसके बाद राज्य में इस स्वरूप के कुल मामले बढ़कर 181 हो गए। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि नए स्वरूप से पीड़ित 42 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और आज उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल।